बीजेपी के चाणक्य ने ऐसी चली चाल जिससे मात खा गए उद्धव। अब 10 साल तक महाराष्ट्र में खिला रहेगा कमल। शाह का ऑपरेशन लोटस एक वो दौर था जब अटल आडवाणी की जोड़ी ने बीजेपी को उत्तर में मजबूत किया था, और आज मोदी शाह की जोड़ी है जो बीजेपी को पूरे देश में आगे ले जा रही है। पूरे 11 दिनों तक महाराष्ट्र में चले सियासी ड्रामे के बाद महाराष्ट्र में नई सरकार बन गई। बीजेपी और शिंदे गुट ने मिलकर सरकार बना ली। एकनाथ शिंदे के सीएम पद के शपथ लेते ही द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामे का दी एंड हो गया। लेकिन आज हम आपको बीजेपी के चाणक्य अमित शाह का वो मास्टर प्लान बताने जा रहे हैं जिसने इस पूरे घटनाक्रम की पटकथा लिखी और बीजेपी को 10 सालों के लिए महाराष्ट्र की सत्ता की कुर्सी पर फिक्स कर दिया। अब चाहकर भी कोई बीजेपी सरकार को 10 सालों के लिए महाराष्ट्र में नहीं हिला पाएगा, चाहे उद्धव हो या फिर शरद पवार, कोई कुछ भी कर ले। लेकिन अब 10 सालों के लिए हो गया है उनका पत्ता साफ, क्योंकि अमित शाह ने वो चाल चली है जिससे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। पूरे देश को लग रहा था कि महाराष्ट्र में सीएम बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस होंगे और डिप्टी सीएम की कुर्सी पर एकनाथ शिंदे बैठेंगे। लेकिन सरकार बनने के कुछ घंटे पहले अमित शाह ने पार्टी के कोर टीम के साथ बैठक की और फिर देवेंद्र फडणवीस को फोन कर कहा, हेलो देवेंद्र, तुम सीएम पद की शपथ नहीं लोगे, एकनाथ शिंदे का नाम मुख्यमंत्री के लिए घोषित कर दो। अमित शाह के इस फोन के बाद देवेंद्र फडणवीस ने बैठक में एकनाथ शिंदे के नाम की घोषणा कर दी। थोड़ी देर के लिए एकनाथ शिंदे को भी भरोसा नहीं हुआ कि वो सीएम की कुर्सी पर बैठने वाले हैं, लेकिन इस चाल से उद्धव सिर पकड़ कर बैठ गए। उन्हें चाणक्य की चाणक्य नीति समझ आ गई। वो समझ गए कि शाह की ये चाल उन पर भारी पड़ने वाली है। आइए आपको बताते हैं कि एकनाथ शिंदे को सीएम बनाकर अमित शाह ने कैसे 10 साल के लिए बीजेपी की सरकार बना ली। बीजेपी ने शिंदे को सीएम बनाकर ये संदेश दिया कि वो सत्ता के लालची नहीं है, साथ ही शिंदे के समर्थक कोर वोटर्स के दिलों में भी जगह बना ली। महाराष्ट्र की जनता में ये संदेश गया कि बीजेपी सत्ता नहीं विकास चाहती है, जिसका फायदा बीजेपी को आने वाले अगले विधानसभा चुनाव में होगा। अब ये बात कि 2.5 साल के बाद बीजेपी कैसे सीएम पद के साथ साथ सत्ता पर काबिज होगी, तो आपको बता दें कि इस चाल से बीजेपी ने शिंदे गुट के विधायकों का भी समर्थन पा लिया, और अब जब 2.5 साल बाद विधानसभा के चुनाव होंगे तो बीजेपी ज्यादा सीटें जीत कर ये दावा पेश कर सकती कि उनके पास विधायकों की संख्या ज्यादा है, और ऐसे में शिंदे गुट भी सवाल नहीं उठा पाएगा और बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता पर काबिज हो जाएगी। शाह की इस चाल ने ये साफ कर दिया है कि असल में वो राजनीति के चाणक्य है और उनके फैसले के पीछे लंबी सोच होती है। ऐसे में अब उद्धव का सत्ता में आने का ख्वाब पूरा होता नहीं दिख रहा है।